नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कहा जाता है कि आप जितने ऊपर उठेंगे आपके नीचे उतने ही राज दफन होते चले जाएंगे, या यूं कहें तो आप जितने ऊपर जाएंगे नीचे उतने ही दुश्मन बनते जाएंगे। यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने हुए हैं और लगभग 16-17 साल में कई ऐसे राजनैतिक दुश्मन उनके बनते गए जो उनके धूर विरोधी माने जाते हैं। आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके धूर विरोधी थे ही, उसके बाद अब चिराग पासवान उनके धूर विरोधियों में से एक गिने जाने लगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ निश्चय हो या अन्य योजनाओं को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ एजेंडा बनाया था, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, उसे यह साबित होता है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार का विरोध करेंगे और आगे भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार चिराग पासवान के साथ कई लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार जो चिराग पासवान के साथ आ चुके हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनैतिक वैचारिक दुश्मन बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान के लिए जो कुछ भी करना होगा वो साथ में करेंगे। आपको याद होगा आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण, उस समय उन्होंने अरुण कुमार से आशीर्वाद लिया था और अरुण कुमार ने अपनी पार्टी का विलय की संभावना जताई थी। हालांकि खुले तौर पे उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी सब लोग पार्टी लोजपा में विलय कर जाएगी। इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती है। कल उन्होंने बीटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में हैं और नीतीश कुमार उससे बड़े घोटालेबाज हैं और वो सृजन घोटाले में बाहर है। 8000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। लालू प्रसाद यादव तो 800 करोड़ का घोटाला किए थे और उन्होंने तो 8000 करोड़ का घोटाला किया है। सृजन घोटाले वाले नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं और भाजपा इस पर कुछ नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों की मिलीभगत है और बिहार में जो घोटाले का राज चल रहा था वो अब बड़ा होते जा रहा है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बड़े घोटालेबाज हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार और उनके पार्टी जेडीयू की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है इसमें, लेकिन जो कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।